हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। तो गाइज़, ये है पार्ट टू बर्थडे का, जो ब्लॉग हमने शेयर किया था आप सभी के साथ, तो वो फर्स्ट पार्ट है एंड ये है सेकंड। और अभी जैसा कि आप सब जो है ना प्रीवियस ब्लॉग मेरा देखा होगा, तो उसमें मेरी वॉइस जो है बहुत स्लो आ रही थी, क्योंकि मेरी जो तबीयत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और जो है मैं बोल ही नहीं पा रही थी। जब मैं इसको वॉइस ओवर कर रही थी तो जो है बोल नहीं पा रही थी उस टाइम, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकती हो अभी बज गए हैं 7:30, यानी 7:20 हो रहा है इस समय। और यहाँ पर जो है थोड़े बहुत लोग रुके हैं, बाकी लोग चले गए हैं, जितने लोग हैं आप लोग देख ही लीजिए, क्योंकि सबके घर में ना दीप वगैरह प्रज्वलित करना है, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और वैसे प्रोग्राम तो था कि हम 5:30 तक केक कट कर देंगे, बट मतलब लेट हो गया करते करते सब कुछ। तो यहाँ पर देखिए केक वगैरह सब कुछ भाई और हस्बैंड ये लोग ला के रख दिए हैं। और ये रही मेरी प्रिंसेस, मेरी डॉल, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी बिटिया रानी, आप देख ही सकते हो क्या क्या बोलूँ इसको। तो ये रहे मेरे पति देव और यहाँ पर सारे बच्चे। बच्चे जो है ना इतना ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, क्या ही बोलें, मतलब शांति से तो बैठ ही नहीं रहे थे। और सारे बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब शोर शराबा हो रहा था, अच्छा लग रहा था, बट यही है कि थोड़ा मस्ती ज़्यादा हो रही थी, बाकी सब कुछ अच्छा था जो भी था जैसे था। तो यहाँ पर भाई सब जो है केक निकाल दिया है बाहर, और यहाँ पर मैं जो है दीप प्रज्वलित करने वाली हूँ। तो मैं सोच रही थी ना कि जो हमारे पास वो दीपावली में आया था ना, हमने कैंडल लिया था, तो कैंडल हमारे पास बचा हुआ था, पहले हम सोच रहे थे भाई कैंडल जला के उसी से हम आरती कर लेते हैं। फिर सभी जितनी मेरी फ्रेंड्स लोग थी वो बोले कि नहीं इससे मत करो, और जो है दिया जलाओ, दिया शुभ होता है। तो फिर हम जो है पहले कैंडल जलाते हैं, फिर कैंडल को हम हटा देते हैं, मीन्स बुझाते नहीं हैं, कैंडल को जो है रख देते हैं भगवान के पास। और यहाँ पर देखिए ये हमारी हेल्प करा रही हैं, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो। और केक जो था ना कई फ्लेवर में इस बार हमने लिया हुआ था, सब मेरी बिटिया की च्वाइस थी, जो भी हमारी बिटिया रानी को पसंद था, कपड़े से लेके केक तक सब कुछ मैंने सब कुछ उसकी पसंद का लिया हुआ था इस बार, तो आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पर जो है ना दो डार्क चॉकलेट फ्लेवर है, एक रेड वेलवेट है, और एक जो है स्ट्रॉबेरी है, एक पाइनएप्पल है। हम लोग मैंगो फ्लेवर लेने वाले थे बट मैंगो फ्लेवर मिला नहीं, तो उसकी जगह पर हमने ले लिया पाइनएप्पल फ्लेवर। तो यहाँ पर बिटिया रानी का जो मुकुट इन्होंने पहना हुआ है, मीन्स हेयर बैंड जो लगाया है प्रिंसेस वाला, ये थोड़ा सा लूज़ हो गया था, तो मामा श्री इनके उसको सही कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ तिलक। तो होता ना कि मतलब जल्दी जल्दी में ना कुछ चीज़ें होती हैं जो भूल जाती हैं, यहाँ पर मैं फूल जो है भूल गई थी इन लोगों के ऊपर डालना, तो यहाँ पर फिलहाल अक्षत मैंने डाल दिया है तिलक करके। और दीप प्रज्वलित तो कर ही लिया, आप लोगों ने देखा ही, जो मैंने कैंडल जलाया था वो हटा दिया, फिर से मैं यहाँ पर दूसरा ली हूँ। तो चलिए हम अपनी बिटिया रानी की जो है आरती उतार लेते हैं, कहीं मेरी बिटिया को नज़र ना लगे, भगवान करे मेरी बिटिया हमेशा अपने जीवन में कामयाब हो, हर वो चीज़ पाए जो उसको चाहिए, जिसकी ज़रूरत हो। और ऐसे ही हम लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमारी बिटिया रानी के साथ हमेशा बना रहेगा। हमारे बच्चों की मुस्कान देख के ना हमें सबसे ज़्यादा खुशी है, क्योंकि हमारे बच्चे खुश हैं तो हम लोग खुश हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चे अगर खुश रहते हैं ना तो उसके आगे सब कुछ अच्छा लगता है, और अगर बच्चे सैड फील होते हैं ना तो सब कुछ, चाहे कितनी भी चीज़ें आप कर लो, सब मतलब बेकार लगती है ना, उतना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो है हाँ प्रनु को तो मैंने बताया नहीं, प्रनु ना यहाँ पर इनके लिए मैंने ड्रेस निकाला था दूसरा, बट ये मेरा बेटा जो है ना ये थोड़ा सा मतलब अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जब पा गया ना सारे फ्रेंड्स को, इतना मस्ती करने लगा कि ड्रेस ही नहीं चेंज किया इन्होंने, इनके लिए दूसरा ड्रेस लेके आया था मैंने, ऐसे ही कलर का था जैसे मेरी बिटिया रानी पहनी, दोनों का सेट था बट इन्होंने पहना ही नहीं, तो पहने रह गए ये अपना ब्लैक वाला कुर्ता पैजामा। फिलहाल अच्छा ये भी लगता है, बट जो है मेरा मन था कि दोनों एक जैसे ड्रेस में रहें, फिलहाल इन्होंने पहना नहीं, अपने फ्रेंड्स में खेलने में बिजी हो गए थे थोड़ा। तो यहाँ पर चलिए देखिए आप लोग की केक जो है सारा कैंडल वगैरह हम लोगों ने जला दिया है, और चलिए बात करिए आए।
यहाँ पर सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे केक कटते ही। बाप रे, जो धूम मची ना, सारे बच्चे केक ले लेके भागने लगे, बस आंटी जल्दी से केक कट कर दो, हम लोगों को खाना है। बट मैंने बोला ठीक है। यहाँ पर ना सच बताऊँ तो मेरा मतलब फैमिली था, मीन्स जो है फ़ोटो शूट हो ही नहीं पाया जल्दबाजी के कारण, और थोड़ा लेट भी हो गया था। श्वेता जस्ट जो है थोड़ा यही अभी आई हैं, मतलब केक कटने ही वाला था तब वो आ गई। और जो है अंकित हैं, श्वेता हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हो। और यहाँ पर जो है ये लोग रुकी हैं, मेरी फ्रेंड कुछ लोग रुकी हैं, बाकी लोग तो चली गई। और जितना भी रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ बच्चे लोग किए हैं वही मैं शेयर कर रही हूँ। और बहुत से लोगों की रिकॉर्डिंग तो मैं अभी देख रही हूँ है ही नहीं, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने मतलब पूछा कि तुम लोगों ने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं किया, तो बोल रहे थे मम्मी कुछ लोग आ रहे थे चले जा रहे थे इसलिए हमने किया ही नहीं। तो यहाँ पर श्वेता खिला रही है मेरी प्रिंसेस को केक और मेरे बेटू को, आप देख ही सकते हो। और यहाँ पर जो है मेरी बिटिया रानी भी इनको खिला रही है केक, चाची को अपने। और यहाँ पर बच रही है लड्डू, तो हमने सोचा चलो लड्डू को भी थोड़ा सा केक खिला देते हैं, क्योंकि सब लोग मीठा खा रहे हैं ना, अब वो छोटी है दूध पीती है तो अभी वो कुछ खाती नहीं, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा केक इसको चटा देते हैं। इसके बाद हम आ गए किचन में, और किचन में ये मेरी फ्रेंड है जो कि मतलब पनीर वगैरह यही थोड़ा बनाना था, पनीर की सब्ज़ी, बाकी जो है सब कुछ रेडी था। तो यहाँ पर ये देखिए नाश्ते में भी ये लोग काफ़ी कुछ रिकॉर्ड नहीं किए। यहाँ पर जो है चॉकलेट था, चॉकलेट तो मिला ही नहीं, मतलब ये लोग कहाँ रख दिए हैं। और जल्दबाजी में इत क्या ही बोले। यहाँ पर देखिए गुलाब जामुन है, वेफर है, नमकीन है, केक है, और जो है सब मेरी फ्रेंड लोग ही बैठ करके डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, आप लोग देख लीजिए। बाकी यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सब यही लोग कर रही हैं। और हाँ, चॉकलेट कहीं रखा है, मिलेगा तो हम आप लोगों के साथ वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे, और नहीं मिलेगा तो भी हम आप लोगों के साथ जब भी मिलेगा आप लोगों के साथ दिखा देंगे, शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर चलिए हम आपको दिखाते हैं और क्या कुछ है, नाश्ता वगैरह यही था। हाँ, कोल्ड ड्रिंक था, कोल्ड ड्रिंक भी देखो ये लोग रिकॉर्ड नहीं किए हैं, ऐसे मतलब कई चीज़ें हैं जो कि नहीं रिकॉर्ड किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी बिटिया रानी सब कुछ निकाल दी हैं, सब कुछ निकाल के जो है रख दी है, बस फ्रॉक पहनी है। और यहाँ पर टीका वगैरह इनका जो भी चंदन वगैरह लगा था फैल गया था। और ये देखिए हमारे पति देव जी लड्डू के साथ, तो लड्डू इनके साथ खेल रही है, ये देखिए अपनी बड़ी दीदी के साथ। तो यहाँ पर सभी लोग जो है बैठ कर कर रहे हैं नाश्ता, यानी कि जो कुछ जो है हमारे यहाँ आया हुआ था। फिलहाल ये हमारी जितनी फ्रेंड्स थी बहुत मतलब हेल्प भी की और प्लस रुकी भी थी काफ़ी देर तक। सबसे बड़ा चीज़ होता है ना टाइम देना किसी को, तो इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया। और इसके बाद हम जो है आ गए हैं अपने किचन में, और यहाँ पर है हमारे मामा की मतलब मामा ससुर की बेटी और हमारी फ्रेंड है, तो श्वेता भी हैं, बट उनका जो मतलब बिटिया थी ना किसी के पास रह नहीं रही थी, तो अपनी बेटी के पास है मतलब बेडरूम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं बोल रही थी कि लाओ भाभी मैं भी कुछ करवा लेती हूँ, आप अकेले कितना क्या कुछ करोगी। तो ये ना मतलब 3:30 आ गई थी, और हाँ ये जो है सभी जितने भी गेस्ट आए थे चाय नाश्ता पानी सब कुछ इन्होंने किया था, जहाँ जहाँ मैं पहुँच पाई थी नहीं तो ये जो है हेल्प कर दी थी, काफ़ी ज़्यादा हेल्प इन्होंने मेरा किया। इसके बाद पनीर कट करना था, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ, पर इतना हमारे पति देव ने कट कर दिया। इसके बाद भी बचा 1 kg पनीर जो कि काटना था, तो वो सभी फ्रेंड लोग काट दिए हैं। श्वेता ने भी बोला कि भाभी क्या कुछ करना है बता दो, बट सारा काम हो गया था, तो बस यही सब्जी बनानी थी, सब्जी हमने बना दिया। और पूड़ी छानना था, इसको भी हम जो है छान ही रहे हैं, और हमारी फ्रेंड जो है ये सभी लोग मिलकर बेल रही हैं, श्वेता भी हैं, सभी लोग हैं, अपना ये लोग कर रही हूँ उधर और मैं इधर कर रही हूँ, आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि अब सभी लोग गरम गरम खा लें खाना, और यहाँ पर काफ़ी कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा। लाइक गुलाब जामुन मैंने बनाया ना, पता है हमने बाल्टी में आधा बाल्टी गुलाब जामुन बनाया था बड़ी वाली बाल्टी में, बट वो सब देखो बच्चे लोग रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो जो जितना ये लोग कर रहे हैं उतना हो गया है। तो यहाँ पर खाना पीना सब कुछ हो गया है, और लास्ट में हो गई है रात, तो अभी जा रही हूँ श्वेता को छोड़ने नीचे। तो यहाँ पर ये हैं अंकित और अमित भी आए थे, बट वो जो है चले गए, कब आए कब गए उनकी भी रिकॉर्डिंग देखो कहीं नहीं है। यहाँ पर ये मुझे दे रहे हैं, मुझे किस कर रही हैं, और मैं भी इनको कर रही हूँ, बोल रही भाभी आप मुझे आज किस दो। तो बस अब ये जा रही हैं, और यहाँ हम देवरानी जेठानी को प्यार आप देख लीजिए, तो मेरी लड्डू भी जा रही है, आप देख ही सकते हो जब इसको बुला लड्डू तुरंत देखती है। तो चलिए इस ब्लॉग का करते हैं एंड, कैसे लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। बाय गाइज़।